वेलकम दोस्तों। अगर आप पंचायत, गुल्लक ऐसी सिंपल एंड सोबर वेब सीरीज के फैन हैं तो हॉटस्टार लेके आ गया है एक ऐसी ही सिंपल सोबर वेब सीरीज। नाम है लाइफ हिल गई। क्यों हिल गई, कैसे हिल गई, किसने हिला दी, ये सब बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो 6 एपिसोड और हर एक एपिसोड 30 से लेकर 40 मिनट तक का, यानी कि 3 घंटे और 20 मिनट के अंदर ये वेब सीरीज आप खत्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सेम एज अ गुल्लक एंड एनी अदर वेब सीरीज, ये एक सिंपल सोबर है। हर एक एपिसोड थोड़ा थोड़ा हमको हंसा के और सिंपली वे में मज़ा दिला के जाता है। वन टाइम वॉचेबल है, प्योर टाइम पास भी है। आगे बात करेंगे इस वेब सीरीज के कलाकारों की। तो कलाकार में दिव्येंदु शर्मा, कुशा कपिला, मुक्ति मोहन, विनय पाठक और कबीर बेदी है, ये सब मुख्य भूमिका में है। और जैसे मैंने कलाकारों के नाम लिए तो आप समझ ही सकते हैं कि एक्टिंग में तो चिंता नहीं रहेगी। तो एक्टिंग में 5 ऑफ द 5 स्टार ये दे सकते हैं वेब सीरीज को हम। बाकी बात करें कहानी की और प्लॉट की, तो प्लॉट ओके है, कहानी भी ओके है। कई जगह पर ऐसा लगता है कि पंचायत से कुछ उठा के डाल दिया है इसमें, ऐसा सब कुछ मिक्स रिव्यू टाइप है। IMDb ने 7 स्टार दिए हैं 10 में से, और मैं भी 7 स्टार की तो आशा रखता ही हूँ इसे देने की। कहानी की अगर संक्षिप्त में बात करें तो जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा, दिव्येंदु शर्मा यानी कि देव, उषा कपिला यानी कि कल्कि, ये दोनों भाई बहन हैं, कबीर बेदी की पोता पोती और विनय पाठक उसके पापा है। एक होटल है गाँव में कहीं, उसको आगे बढ़ाना है, गांव के होटल को रिनोवेट करना है और अच्छा करना है, यही काम है इन दोनों का। इन दोनों पे शर्त लगी है और गांव में ये लोग आके कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे इस होटल को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं, इसी के बीच रुकी थमी सी ये स्टोरी है। गांव के लोग बिना मोबाइल के कभी कभी क्या कैसे खेल खेलते हैं, गाँव के लोग एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, उसके रीति रिवाज रिचुअल्स क्या है और रिचुअल्स की मान्यताओं की वैल्यू क्या है, ये सब इस वेब सीरीज में आपको देखने मिलेगी। खास करके नॉर्थ इंडियन ऑडियंस इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएगी, शहर की ऑडियंस इसको ओके रिलेट कर पाएगी। गांव अच्छा है मगर गांव का पूरा चित्रण इसमें नहीं दे पाया, ये सब सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। बाकी जो गांव है वो पंचायत से बहुत ज़्यादा रीच है, तो आप गाँव के लोगों से रिलेट कर पाओगे मगर गाँव में जो हरकतें हो रही है उससे रिलेट आप नहीं कर पाओगे। बाकी 2-3 या 4 मुख्य कैरेक्टर के इर्द गिर्द की कहानी घूमती है, कोई नया कैरेक्टर नहीं है, सब रीच है। जैसे पंचायत में वी आर कनेक्टिंग टू अवर लैंड्स, ऐसा इसमें आपको नहीं मिलेगा। बस तो आप एक बार बिंज वॉच कर सकते हैं, 3 घंटे में हो जाएगा सीरीज ख़त्म। तो यही है मोटा मोटी। Season 2 भी ये लोगों ने अनाउंस कर दिया है एंड क्रेडिट में, तो ये भी हम देखेंगे। तो बस यही था मेरा रिव्यू लाइफ हिल गई। बाकी अब मिलेंगे चलते चलते इसी तरह। जय हिंद, वंदे मातरम।